अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर हैरियत से होंगे। तो अभी हम जी जा रहे हैं सबा की मेहंदी डलवाने के लिए, और यहाँ पे सबा की फ्रेंड है, उसकी चची हैं, वो बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं, मेहंदी लगवाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। और जी यहाँ पे सबा की मेहंदी लग रही है, और ये बहुत 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 अच्छी मेहंदी लगाती हैं। और यहाँ पे मेरे एक हाथ में मेहंदी लग गई थी, और ये सीरत की चाची ने मेरी मेहंदी लगाई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई थी। हालांकि इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सबा की मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा जो है वो मोमेंट है, तो हाँ इतना बड़ा दिन है, तो मैं इसकी मेहंदी खुद लगाऊंगी। तो फिर जी उसके बाद मेरे एक हाथ पे लग गई थी मेहंदी, एक हाथ पे लगा रही थी वो, उनकी छोटी बेटी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो कभी सोमिया उसको उठा रही थी, कभी अम्मी उठा रही थी। और यहाँ पे जी मेरे सीधे हाथ पे मेहंदी लग रही है, और आगे मैं आप लोगों को फुल अपनी मेहंदी दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी सोमिया यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है, और मैं मुझे ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा बस थोड़ी थोड़ी टिक्कियाँ टिक्कियाँ डाल दें। यहाँ पे जी फाइनली वो दिन आ गया था जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था। और यहाँ पे जी मेरा जो ड्रेस था, मेरा लहंगा आ चुका था, और यहाँ पे आप बास्केट देख सकते हैं कितनी प्यारी सजाई हुई है। और ये सारा क्रेडिट जो है वो हलीमा को जाता है, थैंक यू सो मच। और ये भी बताओ ना, हलीमा कौन है? हलीमा जो है वो मेरी नंद है, और बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह, इकलौती नंद है मेरी माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुझसे प्यार करती है। और सारी चीज़ें उसने इतने अच्छे तरीके से मतलब सारी सजा के लेके आई थी, और यहाँ पे चॉकलेट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि उसको पता है मुझे चॉकलेट्स वगैरह बहुत पसंद हैं। और एक बास्केट वो चॉकलेट्स की और इन चीज़ों की लेके आई, दूसरी में सारे मेरे ड्रेस वगैरह, मिठाई, ये चीज़ें वगैरह लेके आए। और यहाँ पर जी जो मैंने नेकलेस वगैरह लिया था वो भी रखा हुआ है, हील्स मैंने ये वाली ली थी। और उसके बाद हम चले गए थे जी पार्लर। गाइस ये देखें, अभी हम जा रहे हैं पार्लर, और ये देखें यहाँ पे ये कपड़े और ये पीछे हमने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, और आगे सबक को देखें ज़रा डांस कर रही है और इतनी खुश हो रही है। अभी हम पार्लर जा रहे हैं, और वहाँ से रेडी होंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी हम आ गए हैं जी पार्लर, और ये देखें सबा अपनी चीज़ें ले के भाग रही है, इसे बहुत जल्दी है, कहती है मैं जल्दी जल्दी जाऊँ और रेडी हो जाऊँ। हलीमा को देखें ज़रा क्या कर रही है, अपनी चीज़ें उठाई, और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े उठाए हैं। ये देखें जी नंद क्या कर रही है, ये सबा की नंद सबा रेडी हो गई है, ये देखें दुल्हन बन गई है सबा, अभी हम पार्लर में बैठे हैं। पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं, इतना शोर मचा रही है।
हुए हैं, क्या खाना है आपने? गिर जाएगी ना, मुझे बनाओ ना। आयला आयला इधर देखो। और यहाँ पे जी हमने खाना खा लिया था, और इतनी खाने की वीडियो हम नहीं बना सके क्योंकि बहुत ज्यादा पता है भूल गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कुछ भी। पहला फंक्शन था हमारे घर में, हाँ। तो हमें समझ ही नहीं आ रही क्योंकि मैं स्टेज पे बैठी हुई थी और सौम्या वीडियोस बना रही थी। फिर भी सौम्या ने बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाई है, हाँ। फिर भी शुक्र है इसने वीडियोस बना ली थी। और ये देखें प्रार कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखें सबा के हाथ पे मैंने सबा इब्राहिम लिखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इनकी मेहंदी, इसकी मेहंदी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और माशाल्लाह से ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाएं। और माशाल्लाह ये देखें रिंग्स दोनों की। और ये मेरी फ्रेंड्स हैं, और एक एनी और एक आशा, और मैं खड़ी हुई सेंटर में। और मैं ना अपनी वीडियो ही बनाना भूल गई थी क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई, और मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल ही गई थी। और माशाल्लाह से सब बहुत प्यारे लग रहे थे, और सब और इब्राहिम इतने प्यारे लग रहे थे मैं आपको क्या बताऊं। और आप इनके ड्रेस वगैरह भी देख लें, और फेस जो है तो वो नहीं दिखा सकते, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। हाँ, इब्राहिम का फेस हम रिवील करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप सबको दिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है, और हलीमा बहुत अच्छी है, सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं सब से। तो अल्लाह ताला सब लड़कियों के नसीब ऐसे ही अच्छे करें, और बहुत अच्छे करें मैं तो कहती हूँ। तो और हाँ यही बात है। और ये है सबा की सासू मोम माशाल्लाह से। और ये देखें सब बैठे हुए, और ये सासू मोम है, और दूसरी साइड पे मेरे हाल में इब्राहिम की हाला है ना सबा। और ये देखें मूसा, आप किधर थे, आप आए नहीं हो, आप इतने लेट क्यों आए हो? क्या सरप्राइज दे रहे थे? अच्छा, हम आपको सबक जो जो सलामी मिली है अभी हम आप सबके सामने ओपन करेंगे, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कितने पैसे जमा हो गए सबक के है ना सबा। सबा तो दुल्हन बन के बैठी हुई है, देखें जी ये सबक की रिंग है। सबा रिंग दिखाओ, ये सबक की रिंग है, और ये कंगन है, ये देखे। और ऐसे हाथ करके दिखाओ ना सबा, सबा दूसरी तरह हाथ करके दिखाओ। ये यहाँ पे मैं इनवेलप ओपन कर रही थी, और इनवेलप ओपन करने में जितना मजा मुझे आया मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यार कितने पैसे हो गए, पैसे जमा करने की बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं यहाँ पे देख रही थी कितने पैसे जमा हुए, हाँ। तो यहाँ पे फिर मैं इनवेलप ओपन करती जा रही थी, फिर यहाँ पे मैं पैसे गिन रही थी कितने पैसे हुए। इब्राहिम भी मुझे देख रहा था, वकार भी देख रहे थे, उन दोनों की नजर मेरे पैसों पे थी कि हाँ हमें भी पैसे ये दे दे। सबा ने मंगनी से पहले बोला था कि मैं इब्रार को भी और वकार दोनों को मैं 5,000 दूंगी, बाद में ये मुकर गई थी, इसने कहा मैं नहीं देती। नहीं, मैंने पैसे दिए हैं, फिर उसके बाद कितने आगे दिए? चलो बताओ कितने, बस छोड़ो वो जितने भी दिए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं पैसे गिन के ना मैं खुद को ऐसे बड़ा ऐसे शो कर रही थी यार कि मेरे पास भी पैसे हैं, काफी सारे पैसे हैं। तो बड़ा मजा आ रहा था पैसे गिन के भी, और चलो ना सबको बताओ कितने पैसे जमा हुए थे। मेरे पास हुए थे 45,000, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।